सभी लोग आज जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग जन, युवा साथी, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी और आभार प्रकट करूंगी कि आप सब यहाँ पे आज आए हैं। और मुझे मालूम हुआ कि 2-3 ग्राम के लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि सब लोग यहीं आ गए एक साथ। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने हमारा समय बचाया है। आप सभी जानते हैं कि मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है, पहला चुनाव ऐसा जहाँ नेताजी हमारे बीच में नहीं है, हमारे समक्ष नहीं है। यहाँ पे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मैं समझती हूँ वो नेताजी के साथी हैं, और जिन्होंने संघर्ष के दिनों में कंधे से कंधा मिलाकर इस समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जब हम सब यहाँ हैं, जो भावनाएं मेरे मन में है, मुझे लगता है वही भावनाएं आप सबके मन में भी हैं, क्योंकि नेताजी ने हम सबकी जिंदगी, हम सबकी जिंदगियों को कहीं ना कहीं छुआ है। कहीं ना कहीं वह हमेशा हमारे साथ रहे हैं, और मेरा मानना है कि आने वाले दिन जब 5 तारीख को हम पूरी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जब चुनाव का बटन दबाने जाएगा, तो हम सभी मिलकर एकजुट होकर नेताजी के सम्मान में नेताजी की साइकिल का बटन दबाने जाएंगे। नेताजी का हमेशा से इस क्षेत्र से और मेन और सेपाई ब्लॉक से एक भावात्मक रिश्ता रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र को कभी राजनीति के रूप में नहीं देखा, हमेशा यहाँ के सभी लोगों को एक परिवार के रूप में देखा है। और मैं नेताजी की बहू तो हूँ, लेकिन मैं इस समाजवादी परिवार की भी बहू हूँ। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह का रिश्ता, जिस तरह की भावना नेताजी की इस जमीन, इस सरजमीन से रही है, जिस तरह उन्होंने क्षेत्र के काम किया है, जिस तरह वह सबको लेके आगे बढ़े हैं, सबका सम्मान किया है, कोई हीन भावना नहीं, कोई अनादर नहीं किसी का, जो साथ हो लिया उसको अपने साथ ले चले गए, आगे बढ़ते ले गए। और मेरा मानना है कि जिस तरह नेताजी ने हम सबका साथ, हम सबका सम्मान किया है, अब ये हम सभी का दायित्व है, अब ये हम सभी का एक परीक्षा की घड़ी है, जहाँ 5 तारीख को एक एक वोट हमको साइकिल का बटन दबा के नेताजी के सम्मान को बढ़ाने का काम करना है। जो नेताजी ने कहा वह किया, चाहे मुफ्त सिंचाई, चाहे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे हमारे कन्याओं, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हो, जहाँ महिला पेंशन की बात हो, जहाँ गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात हो, सड़कें पहुंचाने की बात हो, आज हम कोई भी गांव बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, सड़कों का जाल बचा है यहाँ पे। सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अगर किसी भी जिले में है तो वो लोकसभा क्षेत्र में ही है, मैनपुरी के। और मौजूदा सरकार, और मौजूदा सरकार ने क्या किया है, मुट्ठी भर अनाज तो देती है किसी किसी लोगों को, लेकिन क्या मुट्ठी भर अनाज से हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ जाएगा? क्या कोई आसपास के गांव में कहीं पे भी कोई भी नौकरी लगी है इन बच्चों की हमारे? और अग्निवीर जो योजना लेकर आए हैं, वहां पे वीर तो बना रहे हैं सबको, लेकिन 4 साल बाद उनको फौज से भी हटा दिया जाएगा, और 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? अग्निवीर योजना तो अच्छी है, लेकिन 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे? किसानी में देखिए, बिजली की व्यवस्था को देखिए, क्या हालत है बिजली की, और मुकदमे कैसे लगाए जा रहे हैं लोगों पे।
और ये मुकदमे कोई एक जाति या एक समाज पे नहीं लगाए जा रहे, सब पे लग रहे हैं। सबका दमन उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, और यह चाहती है, यह शासन यही चाहता है कि वह डल्स के माध्यम से, झूठ के माध्यम से लोगों का दमन करे, लोगों का शोषण करे। जो व्यवस्थाएं पहले थी वो उन्हीं व्यवस्थाओं को लागू करना चाहती है। झूठ से, फरेब से, जिन व्यवस्थाओं को तोड़कर नेताजी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया बिना भेदभाव के, उसी जाल में हम सबको ये वापस पहुंचाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है, आप सबको एक साथ खड़ा होना है इस लड़ाई में। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब ये बात समझ रहे हैं, प्रशासन की सख्ती रहेगी, बहुत सख्ती रहेगी। वो नहीं चाहेंगे कि हम जसवंत नगर विधानसभा से ज्यादा वोट लेके चले, लेकिन मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पे अनुरोध है कि आप भिड़ जाइएगा, क्योंकि महिलाओं से कोई नहीं लड़ सकता है। आप भिड़ जाइएगा, लेकिन एक एक वोट साइकिल का बटन दबाकर नेताजी के नाम को इतिहास के पन्नों में जड़ने का काम हमें करना है, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करना है। उनका सम्मान तो बहुत है, लेकिन उसको, उस पे भी हमको बढ़ाने का काम करना है उनका सम्मान। और ये नेताजी का परिवार जो मेरे समक्ष बैठा है आज, मुझे पूरा भरोसा है इस लड़ाई में वो हमारे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं, और आने वाली 5 तारीख को कोई भी अपना दायित्व नहीं भूलेगा नेताजी के सम्मान में, ये चुनाव नेताजी के नाम।